पहले मंत्रोच्चारण करेंगे सभी मिलकर के, एक साथ सामूहिक रूप में करेंगे। ये कई सालों से उच्चारण ठीक करने के लिए पहले मन से बोला जाता है, बाद में आपसे बुलवाया जाता है, ताकि धीरे धीरे हमारे सभी साधकों और कार्यकर्ताओं को लयबद्ध रूप में बोलना आ जाए। और इस मंत्र का सीधा भाव एक ही है कि हम जब ईश्वरीय ज्ञान या कोई सत्संग करते हैं, सात्विक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार देने वाले या विचार लेने वाले दोनों में से किसी के भीतर भी अहम ना जागे, ये हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को ऐसी शक्ति देना प्रभु, हम इसे ग्रहण कर पाए। इसके पीछे भाव यह है। इसलिए जब भी कभी कोई हम ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ज्ञान दिया और लिया जाता है, तब इस मंत्र को कहा जाता है। आइए, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्ताईसवें सूत्र से हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सत्ताईसवें सूत्र को आप मास्टरपीस के रूप में देखें। कुछ जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे स्कूल में, एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर हमें इतने अच्छे नहीं लगते थे। कुछ चैप्टर्स कुछ अलग टेस्ट के होते थे, कुछ अलग टेस्ट के। मैं मास्टरपीस उन सूत्रों के लिए यूज़ करता हूँ जो हमारे जीवन को बदलने वाले होते हैं। ये शब्द हमें जुबानी भी ये सूत्र याद होने चाहिए और इनके भाव भी हमें समझ में आने चाहिए, तब उन सूत्रों को अकेले में गुनगुनाने का भी अलग आनंद आता है। ये सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः। इसमें ओम और ईश्वर, इसका संबंध बतलाया गया है। ओम और ईश्वर में क्या संबंध है? तस्य जो शब्द प्रयोग में लाया गया यहां पर, वो ओम के लिए लाया गया। तस्य ईश्वर के लिए, तस्य किसके लिए? ईश्वर के लिए। अपने ईश्वर को पुकारने के लिए उसका जो नाम है उसको ये प्रणव शब्द यूज किया गया। यहां पर प्रणव कहा गया ओम को। जब भी मैं अपने प्रभु को पुकारूं, जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य को पुकारते हैं, तो पुकारने में हमें आसानी रहे। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का जन्म होने के बाद जो पहला संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? नामकरण संस्कार। ऐसे रख दो, नामकरण संस्कार। क्यों? उस जब तक उसका नामकरण नहीं होता, कोई कुछ बोलता है उसको, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जिस दिन से उसका नामकरण हो जाता है, तो आप उस बच्चे को उसके नाम से पुकारते हो, और बड़ी आसानी होती है पुकारने वाले को भी, और आसानी होती है जिसको पुकारा उसको भी। माना कि 40 बच्चों की क्लास है, हम स्टूडेंट हैं, और मैं भी उसी क्लास में बैठा हूँ एज ए स्टूडेंट, पर मेरे माता पिता ने मेरा कोई नाम नहीं रखा। आप सोचो, मेरा टीचर या मेरे साथी मुझे कैसे पुकारेंगे? एक मुश्किल हो जाएगी ना, कठिनाई हो जाएगी।
तो जब भी किसी को पुकारना होता है उसको पुकारने के लिए कुछ तो संकेत चाहिए आपको। ये संकेत दो तरह के होते हैं। मेरे प्रभु को पुकारने के लिए जो नाम है वो ओम से बड़ा कोई नाम नहीं प्रभु को पुकारने का। ओम शब्द की महिमा भी आपको धीरे धीरे आज और कल में समझ में आएगी। ओम शब्द से मैं अपने प्रभु को पुकारता हूं, और जब मन से पुकारता हूं तो मेरे प्रभु मेरी पुकार सुनते हैं। दो तरह के संकेत होते हैं किसी को पुकारने के लिए। एक संकेत केवल संबंध बतलाता है, एक संकेत संबंध स्थापित करता है। बहुत गुड विषय है, अगर आप उसको समझेंगे बड़ा आनंद आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, एक संकेत संबंध बतलाता है और एक संबंध स्थापित करता है। जैसे पिता पुत्र का संबंध, केवल संकेत से पता चल जाता है पुत्र पिता का ही तो पुत्र होता है। इसी तरह मेरे प्रभु और ओम के बीच में ऐसा संबंध है, संकेत से मात्र पता चलता है। ये संबंध इन दोनों का इस संकेत से पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। संकेत का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, बस ओम बोलने से पता चलता है कि मैं अपने प्रभु को पुकार रहा हूं। इतना, केवल इतना है। ऐसे संबंध को नित्य संबंध कहा गया है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। ऐसा संबंध वाचक और वाच्य का संबंध कहलाता है। यह संबंध बोधक और बोध्य कहलाता है। बोधक ओम है, बोध्य मेरे प्रभु है। वाचक ओम है, वाच्य मेरे प्रभु है। और एक ऐसा होता है जो संकेत से ही संबंध बनता है, तो वो नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य होता है। एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आएगा। उक्त व्यक्ति धनी है। आप उसको धनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? और चला गया तो ये संबंध नित्य नहीं है। ये संबंध धनी जो पुकारने का, मैंने किसी को धनी के नाम से पुकारा, वो धनी केवल इसलिए है। ये संकेत आपको ये बताता है कि धन का और इसका संबंध है। धन जब तक इसके पास है ये संबंध है, जिस दिन इसके पास धन नहीं रहेगा ये संबंध भी। देखो कितनी बढ़िया बात है ये। पर मेरे ईश्वर का और प्रभु का संबंध ऐसा नहीं है जो ओम से, मतलब केवल संकेत और संबंध पैदा करता हो। ये संकेत केवल उसके नाम को बतलाता है, संबंध तो पहले था, आज है, कल रहेगा। तो ये कौन सा संबंध हुआ? नित्य संबंध हुआ। देखिए एक सूत्र आता है, ये योग दर्शन का नहीं है लेकिन ओम की महिमा को समझने के लिए। पर्णवो धनु शरो हि आत्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते कहा प्रमतेन वेदव्यम सर्वते तन्मयो भवेत। इसमें ओम को धनुष कहा गया। क्या कहा गया? धनुष। ओम धनुष है, आत्मा बाण है। बाण समझते हैं ना, तीर। आत्मा क्या है? बाण है। और ब्रह्म लक्ष्य है। तीनों चीजें होनी चाहिए, धनुष भी होना चाहिए, बाण भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए, तभी तो धनुष चलाओगे। तो एक ध्यान के जिज्ञासु को, जिसके भीतर ये भूख है कि वो ईश्वर की अनुभूति करना चाहता है, उसे अपनी साधना में सावधानी पूर्वक ओम रूपी धनुष, बाण रूपी आत्मा के साथ ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए।
ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, इसका जाप करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो ये अनुभूति होने लगती है। कैसे, इसको भी विस्तार में समझेंगे आज हम। पहले इसको ऐसे समझें, ओम के जाप को, पत्थर को हाथ में ले लीजिए और फिर उसकी तरफ देखिए कि उसमें कोई अग्नि नजर आ रही है क्या, कोई प्रकाश नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो दो पत्थरों को उठा करके एक अंधेरे कमरे में बैठ जाइए, फिर उन पत्थरों को आपस में, हम छोटे होते थे ना तो हम करते थे ना अंधेरे में ये खेल। आजकल तो नए ये मोबाइल के गेम चल गए ना, हमारे पास तो यही गेम होते थे। अब अंधेरे में मुझे अच्छी तरह याद है, पत्थरों को रगड़ रगड़ करके देखते थे, अरे लाइट आ रही है, इसमें चिंगारी बनती है। इसका मतलब पत्थर में अग्नि तो है लेकिन वो दिखाई देती है आपस में। तो प्यारे, जब तू इस देह रूपी शरीर और इस ओम मंत्र, इन दोनों को का आपस में मंथन करेगा, शरीर से तो बोलना है ओम, जब इन दोनों का मंथन करेगा तो उससे तेरे भीतर जो दिव्य प्रकाश होगा वो मेरे ईश्वरीय प्रकाश होगा, उसकी अनुभूति तुझे होगी। आप समझे ये बात कि ओम का जाप जितना मैं करता हूं, ओम का जाप के भी आज थोड़ा सा और इसकी गहराई को समझेंगे जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां केवल चर्चाएं करके जानकारी दी जाती है, केवल शब्दों का ज्ञान होने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको जब तक अपनी हम साधना में परिणित ना कर लें, उसमें बदल ना दें। ओम को अमृत कहा गया है, ओम अभय है, ओम भूत है, ओम वर्तमान है और ओम ही हमारा भविष्य। अब बच्चों को क्या कहते हो कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, उसका नाम लेकर के, राम पुत्र का नाम है तो आप कहेंगे राम मेरा भविष्य है। राम को अगर भविष्य जानते हो तो अध्यात्म के मार्ग पे ओम किसका नाम है बोलिए, मेरे प्रभु का नाम है। तो वो मेरा भविष्य हुआ कि नहीं हुआ, जहां मुझे पहुंचना है, जो मेरी मंजिल है, जो मेरा लक्ष्य है, जहां मेरे को नजर आ रहा है कि मुझे वहां जाना है, तो वही तो मेरा भविष्य है। और वो ओम रूपी गाड़ी में सवार हुए बिना आप उस मंजिल तक, तो आपका भविष्य किससे जुड़ा हुआ है, ओम से जुड़ा हुआ है। हमारा भविष्य किससे जुड़ा हुआ है, ओम से जुड़ा हुआ है। ईश्वर तो हमारे भीतर हैं लेकिन हम उसको पाने का मार्ग ठीक से नहीं चुनते, हम उसको ढूंढते हैं कहां, दाएं बाएं, किसी ने कुछ भी कह दिया। मैं कोई ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन एक शब्द जरूर प्रयोग में लाऊंगा, आडंबर में भगवान नहीं बसते। आगे आप समझ लोगे क्योंकि आप सारे ज्ञानी पुरुष हो। आडंबर में भगवान नहीं बसते, अध्यात्म का सच्चा मार्ग जीवन में मिल गया तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे बगदाद में, बगदाद तो खूब पॉपुलर हुआ था, सबने सुना होगा, एक मुल्ला नसरुद्दीन हुए, उनका क्या काम था, लोगों को हंसाना। वो कोई ना कोई तकनीक ढूंढते थे लोगों को हंसाने के लिए, और नॉर्मली वो जब बाजार में निकलते तो गधे पे बैठ के निकलते थे, किस पे, और मुंह उल्टी तरफ कर लेते थे, लोग उनके ऊपर हंसा करते थे। एक दिन वो ऐसी गधे पे बैठे
उल्टी तरफ मुंह किया और बाजार से जा रहे थे। बाजार में जाते जाते उसने क्या देखा, बगदाद में खजूर अच्छी होती है, वहां पर उधर खजूर बिक रही थी, उसने खजूर खाने का मन कर गया, गधे से नीचे उतरा और खजूर मांगी, दुकानदार ने खजूर तोल करके उसको दे दी और वहीं बैठ गया वो जहाँ बिक रही थी और खजूर खानी शुरू कर दी। उसने कभी पैसे दे, उसने पजामे की जेब में हाथ मारा, पैसे नहीं थे, कोई पैसे दे, उसने जूते निकाले, जूतों में देखा, पैसे नहीं थे, पैसे दे, उसने जुराब उतार ली, जुराब में ढूंढ रहा पैसे, नहीं पैसे थे। अब दुकानदार को हो गई चिंता, क्योंकि वो साथ साथ पैसे ढूंढ रहा था और साथ साथ खजूर खाए भी जा रहा था। उसने कहा कि ये खजूर खत्म हो लेंगी और पैसे मिलेंगे नहीं, तो उसने थोड़ा सख्ती से बोला पैसे दे। तो जैसे ही सख्ती से बोला, इतने लोग इकट्ठे हो गए, 40-50 लोग, जैसे ऐसे केस में तो इकट्ठे होंगे होंगे, हंसने लगे सब। तो जैसे वो सख्ती से बोला, उसने टोपी उतार ली, टोपी में देखा वहां भी पैसे नहीं। तो दुकानदार कहने लगा, भैया तू टोपी में, जूतों में, जुराबों में देख रहे, कुर्ता पहन रखे तो कुर्ते की जेब में क्यों नहीं देख रहा है? अब उसने उसके कहते कुर्ते की जेब में देखी तो पैसे मिल गए। पैसे तो कुर्ते की जेब में होते हैं, पैसे मिल गए। कहते वो तो होते तो कुर्ते की जेब में ही है, पर मैं तो चांस ले रहा था कि भी टोपी में, जूते में, जुराब में कहीं मिल जाए, मैं तो वैसे चांस ले रहा था। इतने बीच में से जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसी ने आवाज लगाई और आवाज लगा करके कहा, मतलब तंज कसना जिसको, पागल दिखता है, क्या दिखता है? तो उस समय नसरुद्दीन क्या कहते हैं, मुल्ला जी सामने पढ़िएगा, अब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पागल मैं हूं, क्योंकि जो मुद्राएं जहां रखी थी मैं वहां नहीं खोज रहा था उन्हें। अरे वाह रे दुनिया वालों, थोड़ा अपने गिरेबान में तो झांको, यह जानते हुए कि रब दिल में बसा हुआ है, रब उर्दू का शब्द है ना, रब दिल में बसा हुआ है, और ढूंढते कहां है, हम जरा बोलो, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद। आप समझे, यदि मैं पागल हूं तो तुम लोग महापागल हो, क्योंकि मैं तो मामूली सी बात पर मूर्खता कर रहा हूं, तुम लोग तो विश्व के सबसे अहम सत्य के मामले में ये मूर्खता कर रहे हो कि जो जहां है उसे वहां तो ढूंढ नहीं रहे, और जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे। एक शब्द बोला था मैंने, उसको रिपीट नहीं करूंगा, ईश्वर को पाने के लिए आप समझ लेना, अगर मेरा मार्ग सही है, अगर मुझे मार्ग सही है अच्छे शब्दों में, तो ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर सहज रूप में मिल जाएंगे, ईश्वर सहज रूप में मिल जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने ईश्वरीय अनुभूति का जो मार्ग बतलाया ना, वो कमाल का मार्ग है। एक सूत्र और करेंगे, अगर समय नहीं मिला तो इससे अगला करेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि सिलेबस को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना है, 3 दिन में जो करवाना है वो करवाना चाहिए। ईश्वर परिधान क्या है, हम बात करते हैं लेकिन शब्दों का कई बार भाव जो है ना, हम ठीक से अपने भीतर नहीं ला पाते। तजप तदर्थ भावनम, तक मतलब तत् है ये, तत् जप तदर्थ भावनम, तोड़ के बोल रहा हूं, तत् जप तदर्थ भावनम, त
तदर्थ शब्द भगवान के लिए प्रयोग में लगा है, तत् ओम के लिए। ओम का जाप मुझे मन से करना चाहिए। कैसी भावना से? ईश्वरीय भावना से। जब मैं ओम का जाप लगातार करता हूं और बार बार ओम का जाप करते हुए ईश्वर का चिंतन करता हूं, मेरी भावना में कौन बसते हैं? मेरे प्रभु बसते हैं। तो जीवन में ईश्वर प्रणिधान आएगा ही आएगा, कोई दूसरी चीज से प्रवेश उसका स्थान नहीं मिलेगा। ओम का मानसिक जाप करना और प्रभु का बार बार चिंतन करना ईश्वर प्रणिधान है। और जब ईश्वर प्रणिधान जीवन में आ जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? आज जहां से हमारा इस सेशन शुरू हुआ था उसमें हमने पंच क्लेशों के रूप में पढ़ा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसके बाद फिर हमने कर्मों के रूप में पढ़ा, चाहे वो पुण्य कर्म हो, पाप कर्म हो, दोनों से मिश्रे, दोनों से रहित। फिर विपाक, चाहे आयु के रूप में हो, चाहे जाति के रूप में हो, चाहे भोग के रूप में हो। और फिर वासनाएं। वासनाएं मेरे भीतर बसती हैं जो मुझे बार 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 बाहर की ओर खींचती हैं। जब तक इन वासनाओं का मैं अंत नहीं कर दूंगा, ये मेरे भीतर इनका वास नहीं रहेगा, तब तक मुझे मार्ग नहीं मिल सकता। ईश्वर प्रणिधान मेरे पांचों क्लेशों को खत्म करता है। मैं कर्मों के फलों से ऊपर उठ जाता हूं, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता हूं, फलों की उलझन में मैं नहीं पड़ता। जो निष्काम सेवा कर्मी होता है, संस्थान हमेशा एक बात कहता है, केंद्र खोलो और भूल जाओ, अपने काम के गीत मत गाओ। फिर भी हमारे कई अधिकारी और कार्यकर्ता जब बोलते हैं मन से तो उनके शब्दों में कहीं ना कहीं वो भाव आ जाता है जो अहम पैदा करता है कि मैंने ये काम किया। आप समझना, आज अगर अध्यात्म में ये बात समझ में आ जाए तो मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि मेरी औकात नहीं है करने की, मैं बार बार बोलता हूं। जब तक मैं भारतीय योग संस्थान से नहीं जुड़ा था मैंने उष्ट्रासन का नाम भी नहीं सुना था। किताबें लिखना तो बहुत दूर की बात है, मैंने प्राणायाम का नाम नहीं सुना था, करना तो फिर ये किसने दिया मुझे? तो ये संपदा मेरी है कि मेरे संस्थान की है? हाँ, मुझ पर मेरे ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे मेरा संस्थान मिला। आप हमें इसको इस रूप में देखना चाहिए। जब मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं, इन भावों में जीता हूं, प्लीज समझिएगा, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, इन शब्दों के भाव में जीता हूं कि मुझ पर मेरे ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे मेरा संस्थान मिला। और मेरा संस्थान मिला, मुझे संस्थान ने जो दिया वो मैंने आगे दे दिया। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इनको 2000 का नोट देता हूं और इनको कहता हूं कि भाई आप ये 2000 का नोट ज्वार जी को दे दो, इन्होंने क्या दिया अपने पास से मुझे ये बतला दो। आप सीरियस क्यों हुए? इनके पास से तो कुछ नहीं निकला ना, तो मैं कुछ कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। मुझे मेरे संस्थान ने उष्ट्रासन सिखा दिया, आप समझे ना? किसने सिखाया? मैंने जाके किसी और को सिखा दिया, मैंने अपने पास से क्या दिया बताओ? आप समझे मेरी बात? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे मन में यह भाव आ जाए कि मेरे ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई, मैं संस्थान से जुड़ा, संस्थान से मुझे सन्मार्ग मिला और इस सन्मार्ग पर मुझे दूसरों को चलाने का एक अवसर मिला, इससे मेरे कर्म शुद्ध हो गए, तो मैं तो ऋणी हो गया संस्थान का और अपने ईश्वर का, मैं तो ऋणी हो गया। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। वास्तव में इससे क्लेश कटते हैं, इससे अहम कटता है। अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध हमेशा ये बड़ा बड़ा करके जहां आप सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, आप वहां लिख दो। साधना का अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है तो वो अहम है, वो
जब भी आपने अपनी साधना के स्तर को चेक करना है, मुझे 10 साल हो गए संस्थान से जुड़े हुए, मुझे 20 साल हो गए संस्थान से जुड़े हुए, मुझे 30 साल हो गए संस्थान से जुड़े हुए, और अहम रूपी पिटारा सर के ऊपर लिए घूम रहा हूं, जब तक ये पिटारा मेरे सर के ऊपर रखा है, समझ लेना कि साधना का मैं एक कदम भी नहीं चला। आप समझे मेरी बात? साधना को कैसे तोलेंगे आप कि मैंने कुछ किया जिंदगी में कि नहीं? जब तक मेरे ये चीजें नहीं कटेंगी, जब तक इनका निरोध नहीं होगा, तब तक अध्यात्म जीवन में आने। आप देखिए, केंद्रों में हम ज्यादातर अपनी साधना को स्थूल साधना के साथ जोड़ करके देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, कई बार मैं देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर आजकल हमारे साधक वो फोटो डालते हैं जो फोटो डालनी नहीं चाहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो चीजें पड़ी होती है जिसका संस्थान और संस्थान के काम से कोई लेना। मैं कभी कभी खोल करके देखता हूँ, निकल जाता हूँ फिर उससे मैं व्हाट्सएप में। आप संस्थान के काम के विस्तार के लिए आप सूचनाएं डालो, आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। आप सच मानिए, बिल्कुल अंदर से भाव, शुद्ध आत्मा से ये भाव मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप का, आप फेसबुक का, आप वीडियो चैनल का अगर प्रयोग करते हो, अंदर से अपनी आत्मा से पूछो, सिवाय ईश्वरीय कार्य के ये चीज़ें आपको यूज नहीं करनी चाहिए, हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये श्वेत वस्त्र पहन लिए और संस्थान के साथ जुड़ गए, अगर उन्होंने जिस दिन शुद्ध आत्मा से ऐसा काम करेंगे, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और समाज का कल्याण हो जाएगा। केवल यही एक वो करेंगे, इससे आगे नहीं चलेंगे हम। ओम का जाप जब हम करते हैं, ओम की जब हम उपासना करते हैं, ओम का जब हम अनुष्ठान करते हैं, ओम की जब हम आराधना करते हैं, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखना आप, ये विषय सिर्फ ओम शब्द के ऊपर चल रहा है आज। हमारी ओम की चार मात्राएं हैं, इसको चार पाद भी कहते हैं, चार पाद, चार खंडों में इसको विभाजित करके देखते हैं। यों कहिए कि चार सोपान हैं साधना के। ओम का जो जाप करते हैं, ये चार अवस्थाओं में इसका जाप किया जाता है, चार सोपान हैं इसके, ये चार पायदान हैं इसके। आप कर्मानुसार आपको ये पायदान चढ़ने पड़ेंगे। और आप एक वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसने कर्मानुसार ओम के चारों पायदान चढ़ लिए, वो अध्यात्म की उच्चतम शिखर को पा गया। वो उससे ज्यादा फिर कोई अध्यात्म नहीं है। जो ईश्वरीय अनुभूति है वो ओम के जाप में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हो। इतनी बड़ी आराधना है, ये छोटी नहीं है। इसके चार पाद माने गए, अकार उकार मकार इति विराम। ये मैंने बहुत विस्तार में जो ये मासिक चर्चाएं हम करते हैं उसमें आज से 3 साल पहले बतलाया होगा। ये 3 साल बाद का विषय जो है ना, आज आपके क्या पता 4 साल हो गए हो, मुझे पता नहीं, बहुत पुराना विषय है। आज अनीता जी कह रही थी, जी आपने विभूति पाद नहीं पढ़ाया। अरे विभूति पाद तो ताज़ा ताज़ा, 4 साल वाला तो आकार उकार मकार और इति विराम। मुझे अपने कुछ प्यारे साधक कहते हैं कि ये सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है समाधि पाद वाला, तो ये जानबूझ के उठाया क्योंकि आप पुराने हैं ना, अब आप तो इंटर कर लिया आपने 6 साल में, तो आप देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं हम। 6 साल की यात्रा तो हमारी इसकी हो गई, योग दर्शन की। आकार जो है, देखिए एक बात समझिए, स्थूल जगत, स्थूल शरीर, ऐसे समझिएगा। हम सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर, कारण जगत, कारण शरीर। स्थूल, ये जो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत है, ये मेरे ईश्वर के सबल रूप हैं। जैसे ये मेरा शरीर है, मैं कहूँगा ये मेरा सबल रूप है, मैं अपने आप को आत्मा कहूँ,
जिसमें वास करती है। मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर में वास करती है। और कारण शरीर, जब कारण शरीर की बात करते हैं, कई बार हमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जो प्रज्ञा है हमारी, जो विवेक है हमारा, उसके लिए कारण शरीर शब्द में प्रयोग में लाया जाता है। हम कई बार केंद्रों में ऐसे ही बोलते रहते हैं अनाप शनाप। दोबारा बोल रहा हूं, स्थूल शरीर में हमारा क्या आ गया, ये जो आप देख पा रहे हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर जो हम देख नहीं पा रहे हैं, अदृश्य रूप है वो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है, चाहे उसको फिर मन के रूप में मान लो, चाहे आप जिसके मन, मैंने क्या कहा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो सूक्ष्म रूप मेरे शरीर के भीतर ऊर्जा के रूप में है, वो मेरा सूक्ष्म शरीर है। और जब मैं प्रज्ञा और विवेक की बात करता हूं, तो मैं अपने कारण शरीर की बात करता हूं। जब मैं हड्डी और मांस, इन पांच भूतों की बात करता हूं, तो मैं स्थूल शरीर की बात करता हूं। इसी प्रकार से मेरा स्थूल जगत है, जिसको आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, और एक सूक्ष्म जगत है। ये सब ईश्वर के रूप हैं, ऐसे थोड़ी बन गया ब्रह्मांड। आप एक एक इंच कोई चीज बना करके दिखा दो, चुटकी भर कोई चीज बना के दिखा दो, ये कुर्ता ऐसे बन गया, इसको किसी ने तो सीला होगा, इसको किसी ने तो बुना होगा, इसको किसी ने तो काता होगा, इसको किसी ने तो खेती उगाई होगी। आप कल्पना कीजिए ना, तो कोई चीज ऐसे बन जाती है क्या? तो मेरे इस जगत को बनाने वाला कौन है? तो वो मेरे प्रभु का, मेरे विराट का स्थूल रूप है। जब आप इस जगत को देखो तो किस रूप में देखो, ये मेरे विराट का स्थूल रूप है। और जो इस ब्रह्मांड को शक्ति चला रही है, जो इसको गति दे रही है, वो विषय कल आएगा। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसको गति दे रही है, वो सूक्ष्म जगत है, जो वायु मुख्य प्रकृति मानी जाती है। वायु के बिना गति नहीं है, प्रकृति गति वायु है। मेरे शरीर में उसी की एक छोटी सी ऊर्जा बनकर के, बहुत आप लेस मात्र कह लीजिए, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, उस अदृश्य शक्ति का, उस दिव्य ऊर्जा का कोई एक छोटा सा सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म प्राण के रूप में कह लीजिए, मेरे शरीर के भीतर जो विराजमान है, वो कहीं सूक्ष्म शरीर को का प्रतिनिधित्व करता है। स्थूल शरीर स्थूल जगत का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत का, और कारण शरीर कारण जगत का की उपासना करता है। जब मेरा स्थूल शरीर उपासक बनता है, तो ये स्थूल जगत जो ईश्वर का विराट रूप है, हम उसकी उपासना करते हैं, वो उपास्य बन जाता है और ये शरीर उपासक बन जाता है। जब मेरे शरीर का सूक्ष्म रूप उपासना करता है, तो किसकी करेगा? अदृश्य शक्ति की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की। और जब कारण शरीर इसकी उपासना करता है, तो उपासक कारण शरीर बन जाएगा। और कारण जगत ईश्वर को कहा गया है। किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया है। इसका चित्त तत्व है, हमारे यहां जो चित्त कहते हैं, विशुद्ध चित्त जो ईश्वर का जो रूप है, ये दोनों एक उपासक है, एक उपास्य है। कारण शरीर उपासक है, कारण जगत उपास्य है। सूक्ष्म शरीर उपासक है, सूक्ष्म जगत उपास्य है। स्थूल शरीर उपासक है, स्थूल जगत उपास्य है। उपास्य होता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका अनुष्ठान करते हैं, जो मेरा ध्येय बन जाता है, जो मेरा। अब इन तीनों की कैसे करें उपासना? जो पहले तीन शब्द यूज किए, आकार उकार मकार, ये उनकी उपासना का माध्यम है। जब मैं बोल करके ओम का उच्चारण करता हूं, तो कौन बोल रहा है? ये शरीर, इसमें होठ, इसमें जीभा, आप इसमें इस शरीर की ऊर्जा लग रही है, आप समझे ना? तो उस समय स्थूल जगत उपासक बन जाता है आपका। कौन बन जाता है? आप बार बार ओम का उच्चारण जब बोल के क्यों करते हैं, हम ये बात को समझ, जब बोल के करते हैं, तो मैं अपने उस ईश्वर के स्थूल सबल रूप की उपासना करता हूं। ओम,
जब बोलता हूं तो मेरे मन में ये भाव है, यहां से तो उपासना शुरू होती है। और हमें सारी उम्र हो गई, हम खड़े कहां हैं? आज थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा वातावरण मिलता है। इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बड़ा जरूरी है। दूसरा है मानसिक जाप। दूसरा क्या करते हो? वो उकार, दूसरा पाद है ये। कौन सा है? उकार। उकार होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप में क्या है, ये स्थूल शरीर नहीं करता, अब प्राण प्राणिक ऊर्जा भी लगेगी, सूक्ष्म शरीर मन भी करता है, करते हैं ना। आप मन से बोले जा रहे हो, ओम बोल रहे हो, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा किसी को। मानसिक रूप में तो आप उच्चारण कर ही रहे हो ना, तो आप सूक्ष्म मेरे उस ईश्वर का जो अदृश्य शक्ति है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं, आप उसकी अदृश्य शक्ति की उपासना कर रहे हैं। और आप जब ये उच्चारण करते रहते हो, करते रहते हो, करते करते आपका ये इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि आपकी ये उपासना ध्यान में बदल जाए। किसमें बदल जाए? ध्यान में। जब ध्यान में बदल जाती है तो उस समय विवेक जागता है। कौन जागता है? विवेक आ जाता है, प्रज्ञा। कौन आ जाता है? ये कारण शरीर में पहुंच गया। मैं कहां पहुंच गया? कारण शरीर में। अब मैं अपने ईश्वर की उपासना कर रहा हूं। वो उसके स्थूल और सूक्ष्म रूप थे, और अगर मैं विवेक जब करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है, ये आपको असंप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं, परवैराग्य को पार कर देता है व्यक्ति, विवेक से भी अपना मोह छोड़ देता है। क्योंकि यहां पर कारण मेरा अहम है, कारण शरीर का की दीवार बनी रहती है। अहम तीनों जगह होता है, पहले स्थूल भूतों का होता है, दूसरी अवस्था में सूक्ष्म भूतों का होता है, तीसरी अवस्था में कारण शरीर का होता है। अहम कारण शरीर उपासना कर रहा है, लेकिन जब मैं कारण शरीर को भी पार कर जाऊं, कारण जगत को भी पार कर जाऊं, फिर ना विवेक है, ना कारण शरीर है, ना कारण जगत है, तो उस समय ये चित्त जो है, शुद्ध चित्त, इसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। और किसमें विलय हो जाता है? बोलिए, उस परम पिता परमात्मा स्वरूप में। और जैसे उसमें वो स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो जो शुरू में बोला था योग स्थित वृत्ति निरोधा, वैसे उसके आगे का एक स्टेप और होता है, योग स्थित के बजाय सर्व चित्त वृत्ति निरोधा, विवेक ख्याति भी खत्म हो गई और व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहा, ना उसकी स्थूल स्तर है, ना सूक्ष्म स्तर है, ना कारण स्तर है, सबको मिटा करके और उसका विलय किसमें हो गया? उस परम पिता परमात्मा हो गया। उसके बाद फिर कुछ भी शेष नहीं बचता। ये ओम की उपासना का ये चौथा पाद है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको मात्रा रहित पाद कहा जाता है, इति विराम। इसको क्या कहा जाता है? इति विराम। ओम के ऊपर एक दृष्टांत है, आपको पहले सुनाया हुआ है, लेकिन नए साधक जुड़ते हैं, रुचिकर विषय है, वो सुना दूं आपको? अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इस समय ओम के ऊपर बोला जा रहा है लगातार, बस इसके बाद फिर इसको पूरा करेंगे ताकि समयबद्ध चलते रहे हम। एक युवा ब्राह्मण थे, सात्विक परिवार में जन्म हुआ, प्रभु में लगन लगी, जीवन को सार्थक करना चाहते थे, मन में भावना जागी कि जीवन में कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे जीवन के सारे ताले खोल दे, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे जीवन के सारे ताले खोल दे। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। कई आचार्यों के पास गया, संतुष्ट नहीं हुआ प्रश्नों के उत्तर से, अंत में एक बहुत सुलझे हुए
आचार्य से भेंट हुई। आचार्य ने पूछा, वत्स बोलो कैसे आए? गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मेरे जीवन के सारे ताले खुल जाएं। कैसे दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, विशेष बात नहीं है, आपको चाबी मिल जाएगी, पर एक शर्त है। कहते क्या? 5 साल तक तुम्हें इस आश्रम में रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, हर तरह का काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो चाबी दे दी जाएगी। युवा ब्राह्मण ने अपनी सहमति दे दी। झाड़ू पोचे बर्तन जूठन उठाना खाना बनाना सब्जी काटना, आश्रम का कोई काम ऐसा नहीं था जिसको वो अपने हाथ से उसने ना किया। खूब मेहनत करी सच्चे मन से अपने आचार्य को खुश करने के लिए। आचार्य बहुत प्रसन्न रहते उनसे। 5 साल गुजर गए। एक दिन बहुत थके मांदे अपने आचार्य के पास बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था, पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी महकती हुई हवा चल रही थी। तो 5 साल जब गुजर गए तो शिष्य के मन में आया कि गुरुजी ने 5 साल सेवा तो खूब करवा ली, 5 साल पूरे भी हो गए, चाबी अभी दी नहीं। हिम्मत करके कह डाला कि गुरुजी उस चाबी का क्या हुआ, अब तो 5 साल पूरे हो गए, आपने जो मंत्र देना था वो मंत्र नहीं दिया। कहा वत्स दे देते हैं, आओ। कान में बोल दिया क्या कि आप ओम की उपासना करो, ओम का अनुष्ठान करो। बड़े खुश हुए युवा ब्राह्मण, उछलते कूदते वहाँ से जोश में चले गए एकांत में उपासना करने के लिए। अभी उपासना कर ही रहे थे कि अपनी ध्वनि के पीछे एक ध्वनि और सुनाई देने लग गई। उन्होंने सोचा कि ये मेरी प्रतिध्वनि है। फिर बड़ी बारीकी से अनुभव किया तो लगा कि ये मेरी प्रतिध्वनि नहीं है। तो आंखें खोल ली तो देखे कि कोई दूसरा ओम का जाप कर रहा था। तो उसने कहा ये तो रहस्य नहीं है, ये सामने वाला भी जानता है। उठ के चल दिया। रास्ते में देखा एक भिक्षुक, दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी अम्मा बाहर आई, ओम भिक्षाम देही। कहते भिखारी भी जानता है। आवाज आई, ओम भिक्षाम लेही। बीपी हाई हो गया युवा ब्राह्मण का। कहता गुरुजी ने बेवकूफ बना दिया, 5 साल बर्बाद हो गए जिंदगी के, पूछ के तो आऊं, वापिस चल दिए। आश्रम में गए, जाके आंखें लाल, गुरुजी समझ गए कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ बस? कहते गुरुजी आपने क्या मंत्र दिया, वहां तो छोटे से बड़े तक सारे ओम बोलते हैं, ये मंत्र मेरे जीवन के ताले नहीं खोल सकता। तो वत्स नाराज मत हो, हम आपको दूसरा मंत्र दे देते हैं। फिर शर्त लगा दी कि एक शर्त और है। क्या? अंदर गए, एक पत्थर लेके आए। क्या लेके आए? और पत्थर थंबाते हुए बोले कि आप ये पत्थर बाजार में लेके जाओ और इसकी कीमत जानो, जिस दिन आप इस पत्थर की सही कीमत हमें बता देंगे हम आपको अगला मंत्र दे देंगे, पर ये पत्थर बेच मत आना। ठीक है गुरुजी। युवा ब्राह्मण को तो जीवन के ताले खुलवाने थे, सारी बातें मानने के लिए तैयार थे। चल दिए। सबसे पहले सब्जी वाले के पास पहुंचा, भाई इस पत्थर की कीमत बता दे। कहता पत्थर की भी कोई कीमत होती है, इसका बाट बना लूंगा मैं और आप मुझे दे दो जितना इसका वजन है उतनी सब्जी ले जाओ, क्योंकि कुछ बढ़िया सा लगता है पत्थर, सुंदर सा लग रहा है ये। कहता नहीं दूंगा नहीं। कपड़े की दुकान पे गए, मना कर दिया। पंसारी की दुकान पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पे गए, किसी ने भी उस पत्थर की कीमत नहीं बतलाई। कहता पत्थर तो पत्थर है, इसकी क्या कीमत होगी। किसी ने उसको कहा कि तू धनिकों के अड्डे पर चला जा, और वहाँ धनी लोग जाते हैं
आप वहाँ जा कर के पूछ लो। जैसे वो धनिकों के अड्डे पर गया तो वहाँ उसका मजाक उड़ाया गया युवा ब्राह्मण को देख करके, क्योंकि उसने ब्राह्मण की वेशभूषा में था, वो उसका मजाक उड़ा और उससे पूछा कि पंडित जी आप यहाँ क्या करने आए हो? तो उसने बड़ी सहजता से कहा कि देवी मैं इस पत्थर की कीमत पूछने के लिए आया हूँ, मुझे किसी ने बतलाया कि यहाँ धनिक लोग आते हैं और वो इसकी कीमत बतला देंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस पत्थर की यहाँ कोई कीमत नहीं बतला सकता, तुम जाओ यहाँ से। वो थक गया, उसका दिल टूट गया, हताश हो गया वो, निराश हो गया वो, हतोहताश हो गया वो, वापिस चल दिया गुरु जी के पास। रास्ते में उसने देखा कि एक जौहरी की दुकान थी, उसके मन में भाव आया कि चल एक प्रयास और कर लो। जौहरी की दुकान में चला गया, जौहरी अपनी गद्दी पर बैठा हुआ, उसके हाथ में पत्थर पकड़ाते हुए बोला कि भाई मुझे इस पत्थर की कीमत बतला दो। दोनों हाथ जोड़ लिए, क्योंकि थका हुआ आदमी क्या करता है, आपने देखा होगा। तो जौहरी के हाथ में जैसे ही पत्थर गया, जौहरी ने नीचे देखा, फिर उसको देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, चार बार ऊपर नीचे देख गया, देख करके, और उसके सांस जौहरी के ऊपर रह गए, नीचे के नीचे रह गए। कहने लगा ये बता तू कीमत बाद में बताऊंगा, पत्थर लाया कहां से? ये पत्थर या तो होना चाहिए देश के राजा के पास, या होना चाहिए किसी चोर के पास। भैया ये पत्थर नहीं है, ये बेश कीमती हीरा है। तू मुंह से कीमत बोल दे, जो तो कीमत कहेगा मैं तुझे इसकी वो कीमत दे दूंगा। युवा ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला कि मेरा पत्थर वापिस कर दो, ये मेरे गुरुजी का पत्थर है, मैं बेचने के लिए नहीं आया, मुझे कीमत पूछनी थी, बस वापिस ले लिया। और बड़े चकित भाव से आश्रम में आकर के बोला कि गुरुजी आपको एक बात बतलाऊं? बोलो बस, क्या हुआ? कहता जिसको आप पत्थर कह रहे थे मैं पत्थर कह रहा था, सारे ये तो बेश कीमती हीरा निकला। कहता तुझे कैसे पता वत्स? कहता गुरुजी मैं सब्जी वाले के पास गया, मैं कपड़े वाले के पास गया, मैं इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास गया, मैं पंसारी के पास गया, सब ने इसको पत्थर बतलाया, पर आखिर में जब मैं थक गया तो मैं जौहरी की दुकान पे गया, जैसे ही मैंने जौहरी को ये पत्थर दिखाया उसके तो सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए, और उसने कहा कि ये तो बेशकीमती हीरा है। तो उस समय गुरुजी कहते हैं कि वत्स बस यही तो बात है, जो हीरा बेशकीमती होता है या हीरे की कीमत जौहरी ही बता सकते हैं, जो बाकी के नज़रों में वो पत्थर था। ऐसी ओम की कीमत केवल ओम का उपासक बता सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो ओम की उपासना साधारण उपासना नहीं है। जैसे 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 इस उपासना में आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में डूबते जाओ, और इन पादों का अध्ययन समाधि पाद में इसी सूत्र में दे रखा है 27वें और 28वें में बहुत सुंदर ढंग से, आप उसका अध्ययन करें और फिर इसके ऊपर अभ्यास करें, आप सच मानिए कुछ दिन के बाद ध्यान में आपको आनंद आने लगेगा। एक तो होता है नकली ध्यान करना, एक होता है असली ध्यान करना, वहीं से हमारे भाव और विचार बदलेंगे और हमें कुछ उपलब्धियाँ होंगी जीवन में। आइए कुछ देर उस ईश्वर का ओम के उच्चारण से, अब तो ओम का उच्चारण बनता है ना, और ऐसे नहीं बनता, अब आपको खड़ा नहीं करूँगा मैं आपको, अब ऐसा बनता है कि आपने इस ओम की गंगा में सच मानिए, मैं मन से भाव, कई बार मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ ये बातें करते करते, कई बार मैं घर में भी ये शेयर करता हूँ कि मुझे नहीं पता सामने बैठे वाला इस मार्ग पे चला कि नहीं चला, पर ईश्वर ने मुझे ऐसा मार्ग दे दिया कि मेरी ज़िंदगी भी तरती नज़र आ रही है मुझे। तो आप जब भी कभी ये साधना करते हो, इस साधना को सामान्य साधना की श्रेणी में ना लाएं, इसको अपनी
जीवनचर्या का, दिनचर्या का, अपनी आराधना का, अपनी उपासना का, अपनी अनुष्ठान का इतना अनिवार्य हिस्सा बना दो कि भोजन के बिना रह जाए लेकिन अपनी इस उपासना से ना रहें। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप उसके संग बैठ जाओ 10 मिनट, कल्याण हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए। शांत भाव से अपने भीतर जाइए, देखिए भीतर हैं सारे खेल, बाहर कुछ नहीं। बाहर का ये आकर्षण, ये बाहरी जगत सब आकर्षण नकली है। ये जिस दिन भीतर का आकर्षण पैदा हो जाएगा, बाहर का आकर्षण नगण्य, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर वो। अपनी नासिका से आते जाते श्वासों का आवागमन देखिए और कल्पना कीजिए कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तब से आज तक किसी एक श्वास ने मुझसे अनुमति मांगी? कभी ये श्वास रुका? और अगली कल्पना कर लीजिए कि ये श्वास कुछ नहीं है, ये मेरे प्रभु का अमूल्य कीमती उपहार है, मेरे को जो उसने दे रखा है। इसको तोल नहीं सकते तराजू में, ये खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं अपने प्रभु के संग बैठता हूं तो आप सच मानिए ऊर्जा का विस्तार मेरे भीतर वो होता है कि जिससे मुझे उस आनंद के सागर में डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इतनी चर्चा सुनी आज हमने ओम के ऊपर। शुरू में एक बात कही थी, तस्य वाचकः प्रणवः, ये मेरे प्रभु का नाम है, आज मुझे अपने प्रभु को पुकारना है। देखते हैं आप अपने प्रभु को मिलने के लिए कितने तड़पते हैं, देखते हैं आपकी पुकार में कितनी तड़प है, देखते हैं क्या वास्तव में आप ऐसा पुकार लेंगे जैसे आप अपने बच्चे को पुकारते हैं और पुकारते बच्चा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। पुकार के देखेंगे आज इसी भाव से अपने प्रभु को, और मेरे प्रभु मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, मैं धन्य हो जाऊंगा। दो बार आप इस पुकार को सुनेंगे और तीसरी पुकार को आप तड़पते हुए इस पुकार का हिस्सा बन जाएंगे।
ओम।